वेलकम बैक टू दशहरा फेस्टिवल ब्लॉग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और दशहरा फेस्टिवल ब्लॉग का मजा ले रहे होंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के टॉप जगह पे। इस जगह को तो हम मिस भी नहीं कर सकते, ना आप लोग भी मिस कर सकते हैं। ये जगह है पटना का बंगला चौराहा पे, जो पथ पे जो पंडाल बनता है ना, ये यहाँ पे ये जगह भीड़ लगने के लिए सबसे ज्यादा क्राउड अगर दशहरा पूजा में लगता है तो यहीं पर लगता है। इस जगह को अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। और जैसा कि आप लोग पिछले सारा वीडियो देख रहे होंगे, जो लोग नहीं देख रहे तो वो लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक ही जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले इस जगह का आप वीडियोस देखे होंगे हमारे चैनल में, बट थोड़ा सा मिनी क्लिप होगा, उसमें आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। और यहाँ पे आज साउंड बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग आप घूमने के लिए निकल चुके हैं, टाइम ज़्यादा है नहीं। उसको इग्नोर कीजिएगा और मेरे बात पर गौर करते हुए आप इस पंडाल का व्यू देखिएगा और यहाँ पर घूमने के लिए विजिट कीजिएगा जल्द से जल्द, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा है नहीं। वीडियोज़ में कंटिन्यू बने रहिए और जो चैनल पर अभी तक नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए बैक कैमरे से हम आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं, जो कि काफ़ी अलग है, क्योंकि जब पट नहीं खुला था ना तो आप लोगों को उस टाइम से कुछ समझ नहीं आता। आज पट खुल चुका है यहाँ पे और जिस टाइम अभी हम पहुँचे थे यहाँ पे पट खुल चुका है। तो आइए यहाँ पे हम आपको व्यू दिखाते हैं। तो गाइस, ये दरभंगा चौराहा पे पंडाल बनाया गया, ये पंडाल बनाया गया इंडोनेशिया के प्रम्बनन मंदिर के, शायद हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहे हो, उसको आप सही कर लीजिएगा। उस तरह से पंडाल बनाया गया है जो कि सबसे अलग दिख रहा है पूरे पटना में। आइए हम आपको दिखाते हैं पंडाल बैक कैमरे से और आप जरूर विजिट करने आइएगा। और गाइस, आप लोग बहुत सारा वीडियो देखे होंगे बट उतना भीड़ नहीं देखे होंगे जितना दरभंगा चौराहा के पंडाल का भी हमारे वीडियो में देखे। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो गया है अभी इसकी सातवीं के दिन का, अभी पट खुला ही है और भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसा कि आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। और गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को इसी कलाकृतियाँ दिखा चुका था, जो कि कम उस टाइम बना हुआ था, बहुत कम दिखने को मिला, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये फुल्ली कलाकृति से बन दी गई। आप देख सकते हैं कि इसमें क्रिस्टल और स्टोन का यूज़ किया गया है इस पंडाल में। यही सबसे बड़ी खासियत है, जो कि यहाँ का पंडाल हर बार फेमस होता है, कभी कुछ यूज़ किया जाता है तो कभी कुछ, पिछली बार यहाँ पे स्पून यूज़ किया जाता है, मगर इस बार ना क्रिस्टल और शिप का यूज़ किया गया है और साथ में इसमें एक लैसेस का भी यूज़ किया गया, जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में देख सकते हैं। इस पंडाल की ये वो भी है जिसके लोग यहाँ पे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और लोगों का भी यही कहना है इस पंडाल के बारे में कि जो यहाँ का पंडाल है ना, चाहे बंगला चौराहा का, चाहे जितना हाई की भी पंडाल बन जाए, बट यहाँ का पंडाल का कोई पंडाल मुकाबला नहीं कर सकता है। देख सकते हैं गाइस, पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक बन गया इसका जो हाइट है, ये भी 90 फीट है हर पंडाल की तरफ। जैसा कि आप मैंने पहले भी बता चुका है, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोग इसके बारे में बताया है और इसका और भी वीडियोज दिखाया। आप अंदर से वीडियो देखना चाहते हैं ना तो चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो तो देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे बैरिकेड लगा दी है, अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं है। बहुत सारे लोग घूमने आए, तो इन लोगों से पूछते कैसा लगा पंडाल आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। कहाँ कहाँ घूमते हैं आप लोग पटना में दुर्गा पूजा के? हम लोग अभी बिगना पहाड़ी, योजना पहाड़ी, बिगना पहाड़ी। और पटना का कौन कौन सा पंडाल अभी आप लोग को मालूम है कि बहुत सुंदर बनाया? हमें भी बताइए कि मैं भी वहाँ तक विजिट करूँ। ये तो दरभंगा चौराहा के बारे में भी पता था जो अभी आया हूँ, और पता चलेगा तो वहाँ पे भी जाऊँगा। तो गाइस आइए चलते हैं, इन्हें पता नहीं, और लोगों से पूछते हैं कैसा लगा पंडाल। मैडम, आपको पंडाल कैसा लगा? रुक कर बोल दीजिए 2 मिनट। कैसा लगा पंडाल आप लोगों को? बहुत अच्छा। कहाँ से देखने के लिए पंडाल आए हैं आप लोग? पटना से आए हैं। और भी पटना में घूमना है आप लोगों को? अभी स्टार्टिंग यहीं से होती है। और सातवें के दिन आज पट खुला और आज ही घूमने के लिए आप लोगों से इंतजार। तो गाइस, बहुत खूबसूरत पंडाल है, तो लोगों से इंतजार नहीं हो रहा, पट खुलते के साथ लोग यहाँ पे आ चुके हैं इस पंडाल को देखने के लिए। और भीड़ आप देख सकते हैं हमारे पीछे, किस तरह से ऑडियंस पब्लिक जो है इस पंडाल को देख रही है। पट खुलते हैं यहाँ पे भीड़ जो होता है वो अचानक, और इसीलिए हमारा दरभंगा चौराहा जाना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी हम और भी आगे मिलेंगे आप लोगों के साथ पटना के पंडालों को लेकर, उसके बाद हम मिलेंगे आप लोगों से जल्दी बंगाल में मिलने वाले हैं, बंगाल के मशहूर पंडाल को लेकर। तो गाइस, हम कहते हैं ना कि दरभंगा चौराहा पे ऐसे ही भीड़ नहीं लगता है, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं और ये लोग घूमने से पटना से नहीं, पटना के बाहर से आए। आइए इन लोग से मिलकर हम बताते हैं आप लोग ये लोग कहाँ से घूमने के लिए आए हैं। तो कहाँ से हैं भैया? आरा से। आरा से देख सकते हैं ये दरभंगा चौराहा का पंडाल घूमने के लिए, इसके साथ साथ ये पूरा पटना घूमने के लिए आरा से आए, अपना भोजपुर का छोड़ के पंडाल ये पटना का, इसी कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है दुर्गा पूजा में।
आप लोग कितने लोग आए हैं? चार लोग। चार लोग आए? चार लोग जी। क्या नाम है आपका? शमशाद। क्या करते हैं आप? जैसे स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा तौहीद। तौहीद नाम है। और आपका? एमडी ताहिर हुसैन। अच्छा, तो देख सकते हैं आप लोग, कहते हैं ना इंडिया में कि एकता नहीं है, आप कह सकते हैं सिर्फ, मगर जब आप रोड पे निकले तो आपको एकता देखने को मिलेगा। जैसे ईद हो या दिवाली, यहाँ सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। दुर्गा पूजा हो या बकरीद, यहाँ सब लोग एक दूसरे से मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा सच्चा भारत। तो गाइस, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था ना कि ये वन वे हो जाता था, देख लीजिए आज सातवीं के दिन ही वन वे हो गया है, क्योंकि कल से आठवीं स्टार्ट है। और नाइट भी हम आप लोगों को दिखाएं तो देख लीजिए, इस साइड दोनों साइकिल जा रही है, बट इस साइड पूरी तरह से सन्नाटा हो गया है और इसको बंद कर दिया गया ताकि पब्लिक को आने जाने घूमने में काफी आसान हो। और गाइस देखिए, हमारा डगबगला चौराहा में फिर सातवीं के दिन शाम में अभी 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 स्टार्ट हुआ है भीड़ का आना। और देख सकते हैं आप भीड़ यहाँ पे, हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भीड़ भी देखने का मौका मिल गया।